रिंग थ्योरी चैप्टर 5 का ये हमारा 3 क्लास है, ठीक है। इससे पहले 1 2 हो चुका है, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, तो आप जाके एक बार देख लीजिएगा। 1 2 हमारा बेसिक्स क्लासेस था, ठीक है। उसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज करवाए हुए हैं, डिफिनेशंस हो गया, थ्योरम हो गया है, एक थ्योरम हुआ है, ठीक है। सारे डिफिनेशंस हो गए, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन, तो हम वहाँ जाके देख सकते हैं। एंड देन ये हमारा एक, ये भी हमारा 2015 का ही हमारा क्वेश्चन है, 2015 में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक। क्या है कि लेट एफ आर टेंस टू किस में आर डेस, मीन्स क्या हुआ कि जो हमारा एफ है क्या है, होमोमोर्फिज्म ना, तो ये हमारा आर हुआ, दिस इज आर डेस, दो रिंग हुआ किस पे, एफ ए से हमारा फंक्शन हुआ, मैपिंग जो हमारा है वो हमारा एफ है मैपिंग, ठीक। तो क्या हुआ कि एफ आर से लेके आर डेस ये हमारा मैपिंग कर रहा है, ठीक है। बी अ होमोमोर्फिज्म, तो एफ जो हमारा है वो होमोमोर्फिज्म है ऑफ ए रिंग आर ऑन टू रिंग आर डेस पे, ठीक। इफ वन इज द यूनिट एलिमेंट ऑफ आर, आर का यूनिट एलिमेंट हमारा वन है, मान लेते हैं यहाँ पे वन है, ठीक है। तो एंड क्या होगा, एफ ऑफ ए, एफ ऑफ वन जो हमारा होगा, तो एफ ऑफ वन कहाँ होता है, यहाँ पे नहीं होता है, हमारा एफ ऑफ वन इक्वल टू क्या, हम इसे बोल सकते हैं ना वन डेस, दिस इज इक्वल टू वन डेस। जैसे हमारा ए एलिमेंट हुआ तो यहाँ पे क्या होता है हमारा ए डेस, और इसी को बोल सकते हैं एफ ऑफ ए बोल सकते हैं, दोनों आपस में इक्वल होता है, ठीक। तो यही है हमारा, ये गिवन दिया हुआ, ठीक है, इतना हमारा है। देन हमें प्रूफ करना है कि जो वन डेस जो होगा, ये वन डेस होगा, तो एफ ऑफ यहाँ पे वन है इक्वल टू वन डेस दिया हुआ है, इसे प्रूफ करना है कि वन डेस जो है वो यूनिट एलिमेंट किसका, आर डेस का, ये हमें दिखाना है। तो एफ ऑफ वन तो लाई करता ही है, उसके इक्वल हमारा वन डेस है, तो ये वन डेस को ही दिखाना होगा कि हमारा आर डेस का यूनिट इलेमेंट है, ओके, यूनिट इलेमेंट दिखाना है। एक्चुअली में इसके बराबर तो होता ही है, बट हमें दिखाना है यूनिट इलेमेंट ऑफ आर डेस, ठीक, यूनिट इलेमेंट दिखाना है। इतना तो सारा हम जानते ही हैं, इसमें गिवन दिया हुआ ही है, ठीक। तो यूनिट इलेमेंट दिखाना होगा, तो किस तरीके से इसको दिखाएंगे, देखिए यूनिट इलेमेंट एक्चुअली में क्या है, एडिशन के रिस्पेक्ट में क्या होता है, इसमें क्या होगा ना कि जैसे ये हमारा एफ कोई होमोमोर्फिज्म ऑफ ए रिंग आर हुआ, ऑन टू रिंग आर डेस हुआ, ऑन टू रिंग आर डेस होमोमोर्फिज्म ऑन टू और इनटू हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ऑन टू इनटू में क्या होता है, दो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी वाला प्रॉपर्टी और एफ ऑफ ए और बी मल्टीप्लाई वाला प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है, उसके थ्रू ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको प्रूफ करते हैं, 2015 में पूछा गया, इससे पहले भी पूछा होगा पता नहीं, बट हम 2015 का देखें। अगर आप लोग के पास अगर नहीं है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, तो मेरे चैनल में जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है, तो आप इजीली वहां से ढूंढ सकते हैं, ठीक। 3-4 साल का है मेरे पास, ठीक है। तो चलिए इसको प्रूफ करते हैं, प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे लिखेंगे सिंस, सिंस इस वजह से लिखते हैं क्योंकि हमारा ये दिया हुआ है, ठीक है, लेट ये हमारा गिवन दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ जो हमारा होगा, अगर नहीं रहता गिवन तो हम क्या लेते हैं, लेट मानते, बहुत बार बता चुके हैं, अगर कोई गिवन नहीं रहे तो हम अगर खुद से मान रहे तो वो लेट मानेंगे, अगर कुछ गिवन है तो हम सिंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो यहाँ पे होगा सिंस एफ इज अ होमोमोर्फिज्म, ये छोटी छोटी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है, होमोमोर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू किस पे है, आर डेस पे है ना, होमोमोर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डेस पे है, आर डेस से हमारा नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, यहाँ पे लिख देते हैं आर डेस पे है, ठीक। देन देयरफोर क्या होगा कि आर डेस जो है वो क्या होगा, अगर हमारा एफ जो है वो होमोमोर्फिज्म ऑफ आर ऑन टू आर डेस पे, देयरफोर आर डेस जो हमारा होता है वो क्या होता है, होमोमोर्फिज्म इमेज होता है ना, जैसे हमारा ये आर हुआ और ये आर डेस हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन, तो एफ हमारा क्या होमोमोर्फिज्म हो गया आर ऑन टू आर डेस पे, तो आर डेस जो होगा वो हमारा क्या होगा, होमोमोर्फिक इमेज हो जाएगा किसका, आर का, क्योंकि यहाँ का एलिमेंट जितने भी होंगे उसका इमेज यहाँ पे बनेगा, तो आर डेस जो हुआ वो होमोमोर्फिक इमेज हुआ किसका, आर का इमेज हुआ, ठीक। तो आर डेस जो होगा उसे हम लिखेंगे क्या कि आर डेस, देखिए इज ओ होमोमोर्फिक इमेज, ये बहुत जगह पे यूज होगा, देखिए यही जो फॉर्मेट अभी जो हम करवा रहे हैं ना थ्योरम का, बहुत जगह पे यूज होगा, इसके बाद भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ठीक है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसके बाद वाला भी थ्योरम भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा क्या है, होमोमोर्फिक इमेज है, होमोमोर्फिक इमेज किसका, आर का, आर का इमेज बन रहा है इसमें। तो इफ मान लेते हैं कि इफ जो है, इफ देखिए वन जो हमारा है यूनिट एलिमेंट किसका है, आर का, तो इफ वन इज द, सॉरी वन तो लिखे ही नहीं, इफ वन इज द
यूनिट एलिमेंट ऑफ, यूनिट एलिमेंट ऑफ आर देन, तो वन अगर यूनिट एलिमेंट हुआ आर का, तो एफ ऑफ वन जो होता है वो हमारा एड्रेस में होता है ना, एफ एफ तरीके से, जैसे ए हुआ इसका एलिमेंट आर का, तो एफ ऑफ ए होता है आर डेस का होता है, तो इसी तरीके से क्या हो जाएगा देन, यहाँ पे लिखिए नीचे देन, तो एफ ऑफ वन जो हमारा होगा वो बिलोंग कर जाएगा इसमें आर डेस में, बिलोंग कर जाएगा, वन बिलोंग कर रहा है आर में, तो एफ ऑफ वन बिलोंग करेगा आर डेस में बिलोंग करेगा, ठीक। इसको ऊपर इरेज कर देते हैं, क्वेश्चन को इरेज करते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो में बहुत कम लाइक रहता है, सिर्फ देख लेते हैं बस चले जाते हैं, ठीक। तो ये एफ ऑफ वन जो है वो बिलोंग कर रहा है किसमें, आर डेस में बिलोंग कर रहा है, ओके। नाउ अब मानते हैं लेट, लेट क्या होगा एडेस, एडेस को एलिमेंट हुआ किसका एलिमेंट होगा, एडेस जो एलिमेंट रहेगा वो आरडेस का एलिमेंट रहेगा, आरडेस का ही हमें एक्चुअली में वन डेस जो दिखाना है वो किसका दिखाना है, यूनिट एलिमेंट आरडेस का दिखाना है, ठीक है, तो आरडेस का ही एलिमेंट हम लेंगे, और अगर यूनिट एलिमेंट कैसे दिखा सकते हैं पता है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो वही एलिमेंट रहेगा, यूनिट एलिमेंट मीन वन, वन अगर किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एलिमेंट रहता है, ठीक। इसी तरीके से हम यूनिट दिखा सकते हैं, तो सेकेंड प्रॉपर्टी, दो प्रॉपर्टी होता है ना एफ ऑफ ए प्लस बी वाला, ए प्लस बी, तो यहाँ पे यूनिट चाहिए, तो यहाँ पे एफ ऑफ ए भी दिखाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में दिखा देंगे, तो हमारा वन यूनिट हो जाएगा, ठीक है। अगर जीरो रहता, जीरो को यूनिट दिखाना रहता, तो हम एडिशन वाला हेल्प लेते हैं, अगर हमें वन दिखाना रहेगा तो मल्टीप्लीकेशन वाला हेल्प लेंगे, ठीक, समझ में आ रहा है ना। देखिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या कि लेट एडेस जो है बी एनी, एलिमेंट ऑफ किसका आरडेस का, मीन्स एडेस जो है कोई भी एलिमेंट है आरडेस का, मीन्स एडेस जो है वो आरडेस का जितने भी एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है हमारा एडेस, और भी बहुत सारे एलिमेंट होंगे लेकिन एडेस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है किसका आरडेस का, मीन्स आरडेस में जितने एलिमेंट्स है सारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। बी ए नी मीन्स सारे एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक, ओके। देन फिर क्या लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे देन, तो एफ ऑफ ए इक्वल टू क्या होता है, एडेस ही होता है ना, एफ ऑफ ए इक्वल टू एडेस, ठीक है, आरडेस में एलिमेंट रहता है इस तरीके से, तो एफ ऑफ ए भी एलिमेंट इसमें रहते हैं, इसी के इक्वल एडेस, हम दोनों को आपस में इक्वल ही रहता है, दोनों में से कोई भी ले सकता है, दोनों आपस में इक्वल है, ठीक। फॉर सम ए जो है वो कहाँ का एलिमेंट होता है, आर का एलिमेंट होता है, सिंस एफ इज ऑन टू, ऑन टू आरडेस पे है, तो ऑन टू है मीन्स क्या हो जाएगा, वी हैव, देखिए वी हम बोल सकते हैं क्या कि एफ ऑफ वन जो है वो मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, एफ ऑफ वन हम मल्टीप्लाई, मीन्स हमारा एफ ऑफ वन जो हुआ वो आरडेस का एलिमेंट हुआ, तो आरडेस का एलिमेंट से ही मल्टीप्लाई करेंगे, ना कि आर का एलिमेंट से, आरडेस का ही एलिमेंट से करेंगे, तो आरडेस का एलिमेंट देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा एडेस है, और एडेस लिख सकते हैं या एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, तो पहले हम एडेस लिखेंगे, तो एडेस हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं, ठीक है, एफ ऑफ वन से, तो एडेस की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, एडेस की जगह पे ही लिख सकते हैं ना एफ ऑफ ए लिख सकते हैं, ठीक, एफ ऑफ वन है और एफ ऑफ ए है, ये दोनों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल होता है यहीं पे दिखाए हुए हैं, तो ये लिख सकते हैं देन, तो यहाँ पे फंक्शन हुआ ना, फंक्शन क्या वन हुआ, फंक्शन हमारा ए हुआ, तो मीन्स क्या हुआ, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे हम लिख देते हैं सिंस क्या कि एडेस दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, ठीक है, ये लिख दिया, देन दिस इज इक्वल टू क्या होगा, एफ ऑफ वन मल्टीप्लाई विथ ए, एक साथ लिख सकते हैं ना ये हमारे, देखिए मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है, एफ हम दोनों से कॉमन कर लिए, तो वन और ए लिख दिए, ठीक, देन तो क्या हो जाएगा, अगर हम ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, वन मल्टीप्लाई विथ ए, तो क्या होगा, हमारे पास ए ही बचेगा ना, वन किसी के साथ भी मल्टीप्लाई हो तो क्या होगा, वही एलिमेंट बचता है जिसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारा ए बच रहा है, तो ये क्या करेगा, इम्प्लाइज करेगा एफ ऑफ ए, अब एफ ऑफ ए हो गया, तो एफ ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, फिर एफ ऑफ ए को हम ए डैस लिख सकते हैं, तो एफ ऑफ ए ये हमारा इक्वल टू ए डैस हो गया, दिस इज इक्वल टू ए डैस हो गया, ठीक, एक बार ये हो गया, ठीक है, एफ ऑफ वन मल्टीप्लाई करवाएं ए डैस के साथ, अब ए डैस के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं एफ ऑफ ए वन, ठीक है, जैसे हमारा लेफ्ट और राइट, ठीक, दोनों तरीके से करके देखेंगे ना, तो क्या होगा कि हमारा सेम आएगा, हमसे जो रिजल्ट आएगा वो हमारा सेम आएगा, तो हम बोल सकते हैं कि एफ ऑफ वन जो हमारा है वो क्या है कि आइडेंटिटी है हमारा, ठीक। देन एंड लिखेंगे यहाँ पे, एंड क्या कर सकते हैं कि एडेस
और एफ ऑफ वन करवा सकते हैं, ठीक है। तो ए डैश की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, फिर से यहाँ पे एफ ऑफ पे लिख सकते हैं और एफ ऑफ हमारा वन हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए मल्टीप्लाई विथ वन, दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और एफ ऑफ ए किसके बराबर होता है, ए डैश के बराबर। अब देखिए दोनों आपस में इक्वल हो गया, दोनों आपस में इक्वल हो गया ना, तो अब हम क्या बोल सकते हैं कि एफ ऑफ वन जो हमारा है और ये हमारा एफ ऑफ वन, तो ये क्या हो गया हमारा, देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर में लिखते हैं, ठीक है, नीचे लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। देखिए यहाँ लिखेंगे देयरफॉर एफ ऑफ वन जो हुआ इज द यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट ऑफ आर डैश का यूनिट एलिमेंट हुआ। तो हमारा गिवन क्या दिया हुआ था कि दस एफ क्या था कि एफ ऑफ वन इक्वल टू हमारा वन डैश था ना, एफ ऑफ वन इक्वल टू वन डैश हमारा इक्वेशन में भी गिवन था, ठीक है। तो देन हम बोल सकते हैं क्या कि दोनों आपस में इक्वल है, मीन्स हम दिखा दिए एफ ऑफ वन को दिखा दिए यूनिट एलिमेंट है, मीन्स हमारा ये वन डैश भी यूनिट एलिमेंट होगा। हमें फाइनली यही दिखाना था कि वन डैश हमारा होगा वो यूनिट एलिमेंट होगा आर डैश का। तो पहले हम इसे दिखा दिए तो ये दोनों आपस में इक्वल, मीन्स ये भी हमारा यूनिट एलिमेंट हो जाएगा। तो देन लिख देंगे क्या कि वन डैश जो होगा इज द यूनिट एलिमेंट, यूनिट एलिमेंट ऑफ किसका, आर डैश का, ये होता है हमारा प्रूफ, ठीक है, ये थ्योरम हो गया हमारा प्रूफ, ठीक, समझ में आया, ठीक है। यूनिट दिखाने के लिए क्या होता है ना कि मल्टीप्लीकेशन वाला हेल्प लेंगे, ऑन टू था ना हमारा आर, ऑन टू आर डैश पे था हमारा होमोमॉर्फिज्म, तो दो प्रॉपर्टी होता है, तो एडिशन और मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट, तो मल्टीप्लीकेशन के रिस्पेक्ट में वन वाला जो होता है वो यूनिट एलिमेंट होता है, ठीक है, एडिशन के रिस्पेक्ट में जीरो हमारा होता है, ठीक। तो ये हमारा थ्योरम होता है प्रूफ, ठीक है। इसके बाद एक थ्योरम करवाएंगे जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ओके। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स में, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके।